हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल रहा है आर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए मिल रहा है। आर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म 15 जून तक 8वीं पास नागरिक फॉर्म भर पाएंगे, 8वीं पास इसका फॉर्म भर पाएंगे, 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है, लॉकडाउन फॉर लागू हो गया है। कुछ नियमों और कुछ शर्तों के साथ इसमें आपको छूट भी मिलेगी, लेकिन आपको ये फॉर्म भर देना है। ये जो हम आपको फॉर्म बता रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है भर्ती प्रक्रिया के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाली सरकारी नौकरी की जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट की बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं, और इसके बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा प्रकाशित किया गया है वो हम आपको दिखा देंगे। इससे पहले जान लेते हैं भारतीय सेना में जो वैकेंसीज आई हैं, और ये जो वैकेंसीज है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बेसिक जानकारी, भारतीय सेना इंडियन आर्मी में आई सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी है। अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल तैयार किया है, उस प्रपोजल के आधार पर अब जवानों को 3 साल आर्मी में जो है अपनी सेवाएँ देनी होगी। 3 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, और 3 साल के बाद उसको प्राइवेट और इसके साथ साथ मिनी रतन कंपनियाँ उनमें जॉब आसानी से मिल जाएगा। अच्छा कदम है इंडियन आर्मी के द्वारा, 3 साल की अभी आपको सेवा देनी पड़ेगी इंडियन आर्मी में। क्या ये जो वैकेंसीज हैं ये इस नए नियम के अनुसार लागू होगी, या जो पुराने नियम है आर्मी भर्ती प्रक्रिया के उसी के आधार पर होगी, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हमने आपको यहाँ वैकेंसी डिटेल्स जो बता दी है, जवान की है, ट्रेड्समैन की है, हाउसकीपर है, और कलर की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। इन इत्यादि पोस्टों पे आपको ये जो है भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखेगी, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, यानी कि आप 10वीं है 8वीं है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको इस ओपन रैली भर्ती प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपको जो अन्य अलाउंसेज हैं, DAV है, सब कुछ आपको अलग से मिलेगा। इसके साथ आवेदन की बात करें, आवेदन आपको ऑनलाइन भरना है, आवेदन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन फीस या फॉर्म फीस की यदि हम बात करें तो आवेदन फीस आपका फ्री रहेगा, और इसके साथ जो फॉर्म फीस है वो भी यानी कि निःशुल्क है। इसमें आवेदन फीस या फॉर्म शुल्क फ्री रहेगा, केवल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको अच्छे से भरना है ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट रैली में शामिल कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप 8वीं पास हैं और इस भर्ती प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आपकी उम्र जो बताई गई है कि 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच है, तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। 1 अक्टूबर 1997 से 2003 के बीच है, और इसके साथ साथ हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन आपका जो 50 kg है, 5 सेंटीमीटर के फ्लाव के साथ सीना होना अनिवार्य है। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है, 8वीं सिंपल पास है, तो ये जो फॉर्म है आप इसमें देख सकते हो, सोल्डर ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भर सकते हो, हाउसकीपर की वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ वैकेंसीज आपको जो मिल रही है जो है, नेक्स्ट वैकेंसी आपको 10th पास के लिए है वो देख सकते हो। ये जो 10th पास की जो वैकेंसीज है, जिसमें आपको स्टीवर्ड की वैकेंसी मिल रही है, ड्रेसर की वैकेंसी मिल रही है, वाशरमैन की वैकेंसी मिल रही है, टेलर की वैकेंसी मिल रही है, सपोर्टिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी कि यहाँ आपको डी ग्रुप की काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये डी ग्रुप की वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी वैकेंसीज है आर्मी में। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी है, जिसमें आपको स्टीवर्ड है, ड्रेसर है, वाशरमैन है, आर्मी की चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो 8वीं पास की हो, चाहे 10वीं पास की हो, हर वैकेंसी आर्मी की अच्छी होती है। आपको केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, और इसके साथ साथ यहाँ इसमें जो आप लोगों को बताई गई है कि इसमें 17.5 से लेकर 23 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म भर पाएंगे। और ये जो वैकेंसीज है जवानों के लिए निकल रही है, ये वैकेंसी जवानों के लिए निकल रही है। हाइट 170 सेंटीमीटर है, 50 kg वजन है, और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भी इसमें 10th पास बताई गई है। इसके साथ फ्रेंड्स, इसमें फिर से ये बताई गई है कि यदि आप कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो यह देख सकते हो फ्रेंड, इसमें यह बताया गया कलर के लिए आपको जो उम्र सीमा बताई गई है वो बताई गई है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच है, और इसके साथ साथ आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए 10+2 होना अनिवार्य है, यानी कि 12वीं पास है, तो शोल्डर कलर के लिए वैकेंसीज देख सकते हो। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट रैली है वो कहाँ होगी, रिक्रूटमेंट रैली किस राज्य में होगी। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड ऑन द एलिजिबल कैंडिडेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चरखी दादरी, और इसके साथ साथ जो है रेवारी, भिवानी और महेंद्रगढ़, 1 जुलाई 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 के मध्य होगी। और ये जो है रिक्रूटमेंट रैली, यदि लॉकडाउन की जो स्थिति है वो बढ़ा दी जाएगी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित भी किया जा सकता है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है सत्य जानकारी मिलेगी।
तो लेकिन अभी इसका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन 2 मई से लेकर 15 जून तक करवा सकते हो। 15 जून तक आप इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 16 जून से लेकर 30 जून तक आप अपने एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो और 1 जुलाई को इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। फ्रेंड्स इसमें और काफ़ी सारी यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ समझा दी गई है। यदि आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं।